बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सादिया के साथ बनाएंगे आलू कचालू इनके स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम सभी को। और ये देसी स्टाइल में बनाती है, बहुत अच्छा। इनके वीडियोस में मैंने कई बार देखी हूँ कि आलू कचालू ये बनाती है, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग भी बनाएंगे और वीडियो से पूरा पूरा बने रहिएगा। और एक चीज और बता दूं कि सादिया जो है ये मेरा लास्ट वीडियो है सादिया के साथ। इसके बाद फिर ये चली जाएंगी, अजमेर शरीफ जा रही है, फिर ये वहीं से गाँव निकल जाएंगी और पता नहीं कब मुलाकात होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से, और आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा आप सभी। और अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आलू कचालू देसी स्टाइल में बनाना। तब तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग आलू बॉईल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हाँ देख लीजिए, मैंने सिर्फ दो आलू निकाली क्योंकि सिर्फ हम ही दो इस टाइम घर में है। हाँ। कोई भी नहीं है। नहीं, मतलब थोड़ा बनेगा तो अच्छे से लोगों को बता पाएंगे हम लोग ना। और कल जो है मेरा बाबू भी आ जाएगा, मेरी बहू भी आ जाएगी, तो आज जो है तो सादिया और मैं सिर्फ घर में है, तो बस ये दो आलू है। चलो इसको फटाफट सादिया बॉइल कर लेते हैं। हाँ, बॉइल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप सभी को रेसिपी फुल रेसिपी दिखाते हैं। हाँ, देखते हैं कौन से अपने स्टाइल में बनाएंगे देसी एकदम आलू कचालू। आलू को हम लोग अच्छे से धो लिए और इसको काट लिए, और अब इसको हम लोग रख देंगे बॉइल होने के लिए। थोड़ा सा बड़ा था आलू, तो इस वजह से हम लोगों ने इसे दो टुकड़ों में कर लिया है। और इसको अब हम लोग बॉइल करने के लिए रखेंगे, और इसको बॉयल होने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। दो सीटी लगने के बाद इसको उतारेंगे, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। लगा दो सीटी उसमें हो जाएंगे। तो फाइनली गाइस, सीटी तीन चार सीटी हम लोग लगा दिए आंच तेज करके। इधर देख सकते हो आप लोग, गैस तेज करके हम लोग तीन चार सीटी लगा चुके हैं, और उसके बाद गैस बंद कर दिया हम लोगों ने। इसका हवा निकलने तक वेट करेंगे, निकल जाए, फिर उसके बाद इधर आप लोग देख सकते हो हम लोग रेडी कर चुके हैं। ये है हरी मिर्च, लहसुन और धनिया, धनिया हरी धनिया। हाँ। और इसकी हम लोग बनाएंगे चटनी। हाँ, और इसको अच्छे से धो लेते हैं, धो के फिर मिक्सर में पीस लेते हैं। हाँ, और ये है सादिया के स्टाइल की, देसी स्टाइल की आलू कचालू। आलू कचालू हाँ, हम ऐसे ही बनाते हैं, और बाकी आगे की विधि मैं आप सभी को बताते रहूंगी। तो मैं यहाँ पे मिक्सर जो है लगा दी हूँ, और अब इसके अंदर मैं धनिया वगैरह जो है वो धो ली हूँ, लहसुन वगैरह ले ली हूँ, और चलो इसको अब मैं पीस लेते हैं। पानी तो डालना नहीं है सादिया? नहीं, पानी नहीं, ऐसे पीस जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीस लेते हैं और फिर आलू भी छील लेते हैं। हाँ, तो मेरा ये जो चटनी है वो रेडी हो गया है, और बस आलू छील लेते हैं फटाफट से। हाँ, और इधर हम लोगों ने चाट मसाला भी रखा हुआ है आलू कचालू में डालने के लिए। तो गाइस, आलू हो चुका है और ये अच्छे से गल गया है, फिर से इसको फ्राई करना होगा। और इधर हम लोगों ने रेडी कर लिया ये चाट मसाला, और ये हरी मिर्च, हरी धनिया की चटनी, और ये हरी धनिया काट करके रख लिया, और ये है नमक, ये छोटा वाला कढ़ाई ले लिया हम लोगों ने, और ये है आलू। तो आलू को छील, कुछ गीला लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आलू को छील के और छोटा छोटा इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीस में, फिर उसके बाद फ्राई करते हुए आप सभी को दिखाते हैं। तो चलिए पहले फटाफट इसको छील के छोटा छोटा कट कर लेते हैं। चलो, आलू उबल गया है, और देखते हैं आप सादिया क्या कर रही हैं। तवा रखी हो, क्या डाल रही हो? तवा रख रही हूँ, ये है जीरा, और इसका हम लोग बनाएंगे जीरा पाउडर। ठीक, इसका जीरा पाउडर बनाएंगे, तो इसको पहले भून लेंगे तवे पे अच्छे से भून के, फिर उसके बाद हम लोग इसका जीरा पाउडर बनाएंगे। और हम लोग हमेशा घर पे ही जीरा पाउडर बनाते हैं, और अच्छा लगता है, टेस्टी होता है। वैसे बाहर से खरीदो तो वो भुना हुआ जीरा नहीं रहता है, घर पे बनाते हैं तो ये बहुत टेस्टी होता है। तो अभी मैं आप सभी को भी दिखाऊंगी, इसको अच्छे से भून लेती हूँ, फिर इसका पाउडर बनाऊंगी आलू कचालू में ऊपर से डाल देती हूँ। जीरा भून रहा है, देख सकते हो आप लोग, एक दो मिनट टाइम लगेगा, तब तक हम आलू को छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। भुन चुका है, इधर मैंने रख लिया है, और ये आलू भी मैंने कट करके रख लिया, और कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी गैस पे। और इधर देख सकते हो, अभी थोड़ा सा कम मैंने किया था आंच, अब इसको तेज कर लेती हूँ। और इसमें अब डालने की बारी है ऑयल, इसमें ऑयल डालते हैं अब थोड़ा सा। अब ऑयल को गर्म करने तक वेट करेंगे, वैसे जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, तो ये गर्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आलू डालेंगे, और ठंडी में खाने में तो ये बहुत ही अच्छा, मजा आता है।
और गर्मी में थोड़ा आलू मीठा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा चटकार बनाते हैं और खा लेते हैं। इनके आप बराबर बनता है, मैं तुम्हारे वीडियोस में बराबर हम लोग नाश्ते पे हमेशा बनाते हैं, नाश्ते में एक दो चीज ऐसे ही बना के फ्रेंच फ्राई और ये सब बना के हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, तो चलो तेल गर्म हो चुका है हमारा। हाँ, तो अब इसमें हम लोग आलू डाल लेते हैं और आलू को 2 मिनट फ्राई करेंगे। आलू डाल दी हो, अब इसको चला रहे हैं, फ्राई होते रहेगा, फ्राई कर लेंगे बहुत ज्यादा देर तक ही, 2-3 मिनट तक इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज्यादा इसको नहीं चलाएंगे ताकि ये वो हो जाता है ना, फूट जाता है आलू, टूट जाता है। हाँ, ज्यादा चलाना से आलू टूट जाता है। बस थोड़ा थोड़ा चला लिए, इसको थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसमें अब ये डाल लेंगे हम लोग चटनी। चम्मच क्या हुआ, चम्मच दे दें, ये रहा चम्मच। हाँ, इसमें हम लोग थोड़ा सा डालेंगे चटनी और ये तो एकदम चटपटा लगता है कि बनने वाला है। हाँ हाँ, चटपटा ही बनेगा इंशाल्लाह। और हम लोग चटपटा थोड़ा खाते भी हैं, जो लोग तीखा खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समझेगा। तो हम लोग हरी चटनी का तो जरूर बनाते हैं आलू कचालू, लेकिन इसमें अब हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा लाल मिर्च, इससे कलर भी अच्छा हो जाता है इसका और थोड़ी सी टेस्ट भी बढ़ जाती है। तो हल्का फुल्का हम लोग लाल मिर्च भी डालते हैं, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग भी डाल सकते हो, अगर बहुत चटकार खाना है तो डाल सकते हो, और जो लोग तीखा कम खाते हैं वो लोग ना डालें। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, जो देख सकते हो आप लोग, मैंने चाट मसाला लिया है, इसमें हम हल्का का चाट मसाला डालेंगे। इसमें हम लोग चाट मसाला और लाल मिर्च पिसी हुई डाल दिए हैं, अब इसको जो है चला रहे हैं अच्छे से। और ये थोड़ा सा चिपक रहा है क्योंकि इसमें हमने रिफाइंड तेल डाले, सरसों डाले होते तो और अच्छा बनता। हाँ, सरसों के तेल से और अच्छा बनता है। हाँ, रिफाइंड से ना वो तुरंत का आलू बॉयल रहता है ना, तो थोड़ा फूटने लगता है। और अब इसमें हम लोग डाल लेंगे हरी धनिया। हरी धनिया का तो टेस्ट मसाला आप जानती हैं, बहुत अच्छा मुझे लगता है, पसंद है। मैं तो खाती ही नहीं बिका धनिया, खाना ही नहीं सब्जी वगैरह में। वही हाल मेरा भी है, मुझे धनिया जरूरी होता है, हो जाता धनिया है, से टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको भी अब चला लेंगे और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, पूरे घर में खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी ये जीरा पाउडर बनाना और इसको अभी पीसना बाकी है, जीरा को भी पीस लेते हैं। जीरा जो हम लोग भून के रखे थे और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे अब, और थोड़ा अलग स्टाइल में हम लोग पीस रहे हैं इसको, मिक्सर में नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा था। हाँ, मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ, जब भी थोड़ा सी पीसना रहता है ना एक्चुअली में ना, ये हम ताजा ताजा पीसो और बनाओ तो उसका महक टेस्ट अलग आता है। और बाजार में क्या है ना, वो पैकेट में मिलता है तो उसका वो पता नहीं कितने दिन का होता है, तो मैं इसलिए पीस के नहीं रखती हूँ। मुझे भी जब भी काम होता है, क्या होता है ना कि वो लोग जो दुकान पे मिलता है ना वो भूनते नहीं है लोग, वो ऐसे ही जीरा पिसा हुआ होता है, भुना हुआ नहीं होता है। और भुने हुए जीरे का टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, और खुशबू तो पूछिए मत। अक्सर क्या होता है ना कि मैं चटनी में ही नमक डाल लेती हूँ, लेकिन अभी आज हम लोगों ने चटनी में नमक नहीं डाला था, तो अभी इसमें हम लोग नमक ऊपर से हल्का सा अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और नमक थोड़ा हल्का ही डालेंगे क्योंकि आंटी जी को थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है। हाँ, तो हम लोग हल्का ही खाते हैं, और सादिया को मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा नमक खाती है, तो मुझे कम लगेगा तो मैं ऊपर से भले डाल लूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और इधर ये बन जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है, देखने से ज्यादा ये खाने में टेस्टी होता है। और ये बन के तैयार हो चुका है गाइस, देख सकते हो आप लोग। और अभी इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना बाकी है, और ये है जीरा पाउडर, इधर देख सकते हो आप लोग। इसको जीरा पाउडर को भी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसका टेस्ट तो मसाला पूछिए मत, इतना अच्छा होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और धनिया से तो पूरा घर महक रहा है, ये जो बनाई है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घर में। तो गाइस देख सकते हैं आप सभी, ये मेरे स्टाइल का और देसी स्टाइल का, गांव के स्टाइल का आलू का चालू स्टार मतलब रेडी है। और इधर आप लोग देख सकते हो, मैं जीरा तो डाल चुकी थी लेकिन ऊपर से हल्का हल्का फिर से मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि तो थोड़ा सा कम डाली थी मैं। हाँ, और इसका टेस्ट मसाला बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, और खा के देखते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। चलो मैं एक टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा बना है। फर्स्ट टाइम आंटी जी मेरे हाथ पर रेस्ट कर रही है। बहुत ही अच्छा बना है, आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। आलू खाने के बाद जो है हम लोग आ गए हैं फिर से किचन में, दोपहर का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं रात का सालन गरम कर रही थी और सादिया जो है वो अंडा चटनी डाल के बना रही थी, जो हमारी चटनी बची थी आलू का चालू की वो हम लोग डाल के जो है अंडा फ्राई, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है चटनी वाला अंडा, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। और ये मन से खाती हूं। और ये रोटी बन गई है, एक रोटी और रह गई है तो मैं इसको भी बना लेती हूँ, फिर अंडा फ्राई करते हैं। अंडा डाल देती हूँ, अंडा जो है चटनी वाला अंडा कौन कौन बनाता है
मुझे कमेंट्स में बताइएगा किसको किसको अच्छा लगता है। हम लोग तो बहुत मन से खाते हैं चटनी वाला अंडा, बहुत अच्छा लगता है। ये गांव में भी ज्यादा बनता है, मैंने बहुत देखा गांव के लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी होता है ना, चटकार हो जाता है। अंडे में तो आजकल कुछ भी डालो, कुछ भी बना दो अच्छा अंडा अच्छा लगता है। हम लोग मटर वाला अंडा भी बहुत मन से खाते हैं। मटर वाला अच्छा ना, अंडा सुबह तो रोज बनता है, अंडा रेड, बच्चे लोग काम पे जाते हैं, अंडा पराठा हर चीज बनता है। और अंडा खाना खा के और अब हम लोग चलेंगे कपड़ा लेने, साड़िया को कपड़ा लेना है ना साड़िया। हाँ हाँ बस हाँ। फटाफट लंच कर लेते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं कपड़ा ले लेते हैं। हाँ। वैसे अच्छा मिलेगा तो ईद के लिए मैं लूंगी कपड़ा, चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं फिर निकलते हैं। फाइनली गाइस अभी हम लोग खा पी के निकल गए हैं और मुझे लेना था ईद का कपड़ा, तो वो चलते हैं देखते हैं यहाँ ईद का कपड़ा वैसे मिल जाएगा। मैं एक बार इस मार्केट में गई थी, बहुत अच्छा कपड़ा था, तो आंटी जी मुझे फिर से लेके जा रही है ईद के कपड़े लेने के लिए। हाँ वही जा रहे हैं लेने, क्योंकि आजकल रमजान अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो ईद के उसके बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं, तो देखो इनको क्या पसंद आता है। मैं यहाँ से अजमेर जाऊंगी, अजमेर से जाने के बाद फिर घर जाऊंगी, रमजान कुछ ही दिन स्टार्ट रह जाएगा स्टार्ट होना, तो मैं सोची कि कपड़ा लेके जाऊं, फिर रमजान में कौन दौड़ भाग करेगा इधर। बहुत अच्छा है, ले लोगी तो अच्छा। कपड़े की दुकान पे आ गए, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कपड़ा पसंद आता है तो ले लेंगे, वरना दूसरी दुकान पे चलते हैं। लोग बाहर आए हैं, दुकान के बाहर हम लोग निकले और ये देखिए लहंगा एकदम येलो कलर में, लेकिन ये इतना हैवी है, इतना हैवी है कि छूने में जो पहनेगा वो सो जाएगा आराम से। बहुत ही हैवी है। हम लोग आ गए हैं मार्केट से, ये सब कपड़ा शादिया नहीं है, एक बार देख लो आप लोग, बाकी ये जाके अपना दिल्ली में दिखा रहे हैं, गाँव में घर पे अपना खोलेंगी जो भी हो। हाँ ये लिए बहुत सारे, 3-4 सूट लिए, मैं भी एक पसंद आया तो मैं भी एक कॉटन का ले ली थी, क्योंकि रमजान रमजान में कॉटन के सूट जो है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सूती दुपट्टा वगैरह ओढ़ने में पहनने में बढ़िया लगता है, तो ये मेरा, ये मैं बस एक अपने लिए लिए हूँ। और तो साथिया अब तुम्हारा ये मेरे साथ अब लास्ट व्लॉग है, और कल निकलना है हमको, कल निकलना है और कल इनका थोड़ा सा लूंगी अजमेर जाने के टाइम, जब ये निकलेंगी तो वो व्लॉग्स भी आप लोग मिस मत करिएगा जी बिल्कुल। और फिर कब मिलेंगे हम? अभी से दुखी हो, अंदर से तकलीफ हो रही है, आंटी जी को छोड़ने जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत अच्छा लगा था, आप लोग आए, हैदराबाद भी है साथ में, और बस बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत मिस करूंगी आप लोगों को, मैं बहुत खुद मिस करूंगी आपको, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लगा, जैसे इतना अपना पल लगा ना, जैसे की कोई खून का रिश्ता हो ऐसा लगा। इन लोगों ने मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है, और जो भी इनके चैनल द्वारा मेरे पास सब्सक्राइबर जो मेरे पास जो आए हैं, इनके जो सब्सक्राइबर है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तो मेरी भी वीडियोस को जरूर आप लोग वॉच करते रहिएगा हमेशा, और आप ही लोग के सपोर्ट की वजह से आगे अंकित जी का वीडियोस बढ़ेंगे, इनके चैनल बढ़ेंगे, प्लीज आप लोग इनको सपोर्ट करें, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ब्लॉग, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी दिल्ली आना तो मेरे घर आना, और गाँव कभी भी मैं ठंडी में ज्यादा जाती हूँ, कभी आना होगा तो मैं एक आध दिन के लिए आऊंगी, आपका तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और हो सकता है मैं कल चली जाऊँ और ये वीडियो लास्ट हो, वैसे थोड़ा सा कल मिलेंगे आप सभी से, तो आप सभी की बहुत याद आएगी, बहुत बहुत मिस करेंगे सभी को, अल्लाह हाफिज़, चलो अल्लाह हाफिज़।